नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ अपनी एक रचना शेयर करना चाहती हूं। मेरी कविता का नाम है एनआरआई या भक्त। कई साल पहले नौकरी के सिलसिले में मैं सिंगापुर आ गई थी, लेकिन सिंगापुर आने के साथ साथ मैंने एक नया नाम भी पाया, एनआरआई का। आज चुनाव की गर्मी में लोग मुझे एनआरआई बुलाते हैं और कई मुझे मोदी भक्त बुलाते हैं। इस समय मेरे मन की स्थिति क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, वो इस रचना में है, एनआरआई या भक्त। जब मैं छोटी थी, एक सपना था, मंजूर नहीं था बस शादी करना और घर बसाना, कुछ कर दिखाना था, आगे बढ़ जाना था। मुकाम पाने के लालच में, खुद को साबित करने की चाहत में घर छोड़ मैं चली आई, पर एनआरआई कहलाई। नए देश में जब लोग मेरे बालों से नारियल की तेल की खुशबू से कतराते, जातिवाद और अरेंज मैरिज पे कई सवाल उठाते, तब मैं भारत की सभ्यता और नई पीढ़ी की सोच से उनको रूबरू कराती, भारत की गरिमा को सर आंखों पर बिठाती, पर फिर भी जब घर वापस आती तब एनआरआई कहलाती। जिंदगी की राह में कभी ऐसे मुकाम आते हैं जिससे आपके सफर के रास्ते ही बदल जाते हैं। ऐसे ही जब मैंने अपना जीवन साथी पाया तो साथ उसके एक नए देश को भी अपनाया। सोचा ना था कि दिल्ली छूट जाएगी, सिर्फ बचपन की यादें रह जाएंगी। अब ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम एक देश से दूसरे देश अपना डेरा जमाते हैं और जहाँ भी जाते हैं इंडियन ही बुलाए जाते हैं। फिर क्यों अपने ही घर में एनआरआई कहलाते हैं। अब जब चुनाव की घड़ी आई, मैंने मोदी भक्त की पदवी पाई। चुनाव के चक्कर में जब नेता अभिनेता को भी मात दे जाते हैं, नीति और विकास की जगह हनुमान की जाति बताते हैं, राम मंदिर के लिए खून बहाने पर उतर आते हैं, वे ये क्यों भूल जाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम तो अपना वादा निभाते हैं और यहाँ नेता तो चुनाव के बाद जनता को ही भूल जाते हैं। नेताजी, अपने अंदर की झांक के देखा है कभी? राम की जगह रावण का साम्राज्य तो नहीं? ना भक्त मैं, ना देशद्रोही, ना हिंदू सिख ईसाई मैं, इस देश की मिट्टी से आई मैं। अब जहां चाहे मैं बस जाऊं, जहां भी एक उपवन सजाऊं, हिंदुस्तान की खुशबू पाऊं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रचना पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं और इसे शेयर करें। अगली बार तक के लिए अलविदा।